जंगल में एक साधु पेड़ के नीचे ध्यान कर रहा था। तभी वहां एक लकड़हारा आता है और वह उसी पेड़ की लकड़ी काटने लगता है। लकड़ी काटने की आवाज से साधु का ध्यान टूट जाता है। कौन हो तुम और ये क्या कर रहे हो? साधु महाराज, मैं एक लकड़हारा हूँ। मेरा नाम मुंगेरी है और मैं इस पेड़ की लकड़ी काट रहा हूँ। पर तुम इस पेड़ की लकड़ी क्यों काट रहे हो? अरे साधु महाराज, पेड़ की लकड़ी काटना मेरा काम है, इसी से मेरे घर का गुजारा होता है। पर तुम इस हरे भरे पेड़ की लकड़ी क्यों काट रहे हो, जबकि जंगल में तुम्हें कई ऐसे पेड़ मिल जाएंगे जो सूखे हैं, किसी काम के नहीं, तुम उन्हें भी तो काट सकते हो। वो सब मैं नहीं जानता, मैं तो इसी पेड़ को काटूंगा। और तुम अपना काम करो, तुम्हारे जैसे ढोंगी साधुओं को मैंने बहुत देखा है। देखो वत्स, मेरी बात को समझो, यह एक हरा भरा छायादार और फलदार वृक्ष है। इसकी छाया में राहगीर विश्राम करते हैं, इस पर पंछी रहते हैं, यह पेड़ सभी को फल देता है। तुम्हारे इस पेड़ को काटने से सोचो कितनों का नुकसान है, इसलिए तुम इस पेड़ को मत काटो। साधु के बार बार समझाने पर भी वह नहीं मानता और पेड़ काटता रहता है, जिससे साधु को क्रोध आ जाता है। अब तुझे समझाना बेकार है, तू एक जिद्दी मूर्ख और अज्ञानी व्यक्ति है। तूने मेरी सहनशीलता को तोड़ दिया है, मैं तुझे श्राप देता हूँ। आज से तू रात में एक मनुष्य और दिन में एक पेड़ बनकर रहेगा, और यदि कोई तेरे फलों, पत्तों और टहनियों को तोड़ेगा तो तुझे दर्द का अनुभव होगा। साधु इतना कहकर वहां से गायब हो जाता है। शाम को मुंगेरी लकड़ियां लेकर घर आ जाता है। मुंगेरी सारी बात अपनी पत्नी सुलेखा को बताता है। अरे ये आप क्या कह रहे हैं, मुझे तो डर लग रहा है। अगर उस साधु की बात सच हुई तो क्या आप सुबह होते ही पेड़ बन जाएंगे? अरे सुलेखा, तुम भी ना, मैं ऐसे ढोंगियों की बातों को नहीं मानता। आज के समय में भी भला कहीं ऐसा होता है क्या कि कोई आदमी पेड़ बन जाए? अब सो जाओ, ज्यादा मत सोचो, ऐसा कुछ नहीं होगा। अगली सुबह सुलेखा पूरे घर में देखती है, पर मुंगेरी कहीं दिखाई नहीं देता। तभी सुलेखा घर के बाहर आती है। अरे ये घर के आंगन में अचानक इतना बड़ा पेड़ कहाँ से आ गया? कितना शानदार पेड़ है, कितने सारे फल लगे हैं इस पे तो। अरे हाँ, कहीं ऐसा तो नहीं साधु का श्राप सच हो गया हो और ये पेड़ बन गए। हाय राम। तभी पेड़ से आवाज आती है। हाँ सुलेखा, ये पेड़ मैं ही हूँ। सुलेखा, साधु का श्राप सच हो गया, मैं पेड़ बन गया। हे भगवान, ये क्या हो गया, अब क्या करें? सुलेखा, साधु के श्राप के अनुसार शाम होते ही मैं वापस इंसान बन जाऊंगा, वरना यदि किसी ने मेरे फल पत्ते तोड़े तो मुझे दर्द होगा। हाँ हाँ, मैं ख्याल रखूंगी, आप परेशान मत होइए। तभी वहाँ कुछ बच्चे खेलने आ जाते हैं। अरे वो देखो, उस पेड़ पे कितने सारे फल लगे हैं। हाँ हाँ, चलो तोड़ते हैं। एक बच्चा पत्थर उठाता है, पेड़ पर मारता है और पेड़ चीख पड़ता है। ओह! तभी वहां सुलेखा आ जाती है। क्या हुआ, आप चिल्लाए क्यों? अरे सुलेखा, देखो उन बच्चों को,
वो मेरे फलों को तोड़ने के लिए मुझे पत्थर मार रहे हैं। रोको उन्हें, वरना वो और पत्थर मारेंगे। मुझे दर्द हो रहा है सुलेखा। हाँ हाँ, मैं अभी उन बच्चों को डांट देती हूँ। आंटी, हम चले जाएंगे, पर आपके पेड़ पे इतने अच्छे फल लगे हैं, हमें कुछ फल तोड़ के दे दो, हमें फल खाने हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं, एक भी फल नहीं मिलेगा, जाओ यहाँ से। तभी उन बच्चों की माँ आ जाती है। अरे मेरे बच्चों, क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? देखो ना माँ, उस पेड़ पे कितने अच्छे फल लगे हैं, मुझे वो फल खाने हैं, पर ये आंटी हमें फल तोड़ने नहीं दे रही। माँ, आप कहो ना आंटी से। अरे बहन, ये बच्चे ही तो हैं, थोड़े फल खा लेंगे तो क्या हो जाएगा। नहीं, मैं इस पेड़ के फल किसी को तोड़ने नहीं दूंगी, ये मेरा पेड़ है, तुम सब जाओ यहाँ से। हे भगवान, कितनी निर्दयी औरत है ये, थोड़े से फलों के लिए इतना गुरूर। अभी तेरी शिकायत गांव के मुखिया जी से करती हूँ जाके। इतना कहकर वह औरत अपने बच्चों को लेकर चली जाती है। अरे सुलेखा, ये तुमने क्या किया? अगर उस औरत ने सच में गांव के मुखिया से शिकायत कर दी तो वो कहीं तुम्हें गांव से बाहर ना निकाल दें। सुलेखा, मेरे कारण तुम परेशान मत हो, मैंने जो गलती की है उसकी सजा तो मुझे भुगतनी ही पड़ेगी। मुझे दर्द होगा, कोई बात नहीं, मैं सह लूंगा, पर तुम गांव के मुखिया से माफी मांग लेना और बच्चों को फल तोड़ने देना। तभी वही औरत मुखिया जी को साथ लेकर आती है। मुखिया जी, यही है वो निर्दयी औरत। तुम्हें अपने पेड़ पर इतना क्यों गुरूर है, जो तुम इन बच्चों को पेड़ के फल भी नहीं तोड़ने दे सकती? मुखिया जी, मेरे पास आपके किसी सवाल का कोई जवाब नहीं, आप मुझे जो सजा देंगे मुझे मंजूर है, पर मैं इस पेड़ से किसी को भी फल तोड़ने नहीं दे सकती। तो ठीक है, तुम्हें ये गांव छोड़कर जाना होगा। तुम जैसी निर्दयी औरत हमारे गांव में नहीं रह सकती। ठीक है मुखिया जी, मैं आज शाम तक गांव छोड़कर चली जाऊंगी। शाम हो जाती है, मुंगेरी वापस इंसान बन जाता है। मुंगेरी और सुलेखा दोनों गांव छोड़कर चले जाते हैं। रास्ते में वह बहुत थक जाते हैं तो एक जगह रुक जाते हैं। सुलेखा, अब और नहीं चला जा रहा, कुछ देर यहीं रुककर आराम कर लेते हैं। ठीक है, रात भी बहुत हो गई है, कुछ देर आराम कर लेते हैं। सुलेखा, तुमने मुखिया जी को मेरे बारे में कुछ क्यों नहीं बताया? शायद फिर वो तुम्हें गांव से बाहर ना निकालते। ये आप कैसी बात कर रहे हैं, आप ही सोचिए भला, इस बात पर कौन यकीन करता कि एक इंसान पेड़ बन सकता है। दोनों बातें करते करते कब सो जाते हैं उन्हें पता ही नहीं चलता। कुछ देर बाद अचानक मुंगेरी की नींद खुलती है। अरे सुलेखा, जल्दी उठो। क्या हुआ जी? सुलेखा देखो, सवेरा होने वाला है। हे भगवान, अब क्या करें, बातें करते करते कब आंख लग गई पता ही नहीं चला। सुनिए, जल्दी से यहाँ से निकल चलते हैं। नहीं सुलेखा, अब कोई फायदा नहीं, हम जंगल से ज्यादा दूर तक नहीं जा पाएंगे। जैसे ही उजाला होगा मैं पेड़ बन जाऊंगा, पेड़ बनने के बाद तो मैं कहीं चल भी नहीं सकता। सुलेखा, तुम चली जाओ, मेरे कारण तुम क्यों कष्ट झेल रही हो? ये आप कैसी बात कर रहे हैं, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। सुलेखा,
जिद मत करो, शाम तक तुम इस जंगल में कैसे रहोगी? यहाँ जंगली जानवर भी हो सकते हैं। वो सब मैं नहीं जानती, पर मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी। तभी उजाला हो जाता है और मुंगेरी फिर से पेड़ बन जाता है। तभी एक लकड़हारा जंगल में लकड़ियां काटने आता है। तभी वह उस पेड़ को देखता है। अरे वाह, कितना शानदार पेड़ है, कितने सारे फल लगे हैं इस पे। आज इस पेड़ की लकड़ी काटूंगा, पर पहले इसके स्वादिष्ट फलों को तोड़ता हूँ, घर पे बच्चों को खिलाऊंगा। लकड़हारा पत्थर उठाता है और पेड़ पर मारता है। आह सुलेखा! तभी सुलेखा देखती है एक व्यक्ति ने पेड़ पर पत्थर मारा। सुलेखा उस व्यक्ति से कहती है, कौन हो तुम? मैं लकड़हारा हूँ, मैं पेड़ की लकड़ी काटने आया हूँ, लेकिन मैंने सोचा इस पेड़ पर बहुत अच्छे फल लगे हैं तो पहले फल तोड़ लूँ। पर तुम कौन हो? नहीं, तुम इस पेड़ के फल नहीं तोड़ सकते हो, ना लकड़ी काट सकते हो। मैं तुम्हें इस पेड़ को काटने नहीं दूंगी। लकड़हारा सुलेखा की कोई बात नहीं मानता और जैसे ही वह कुल्हाड़ी पेड़ पर मारता है, अचानक से वही साधु प्रकट हो जाते हैं। ठहरो वत्स, तुम इस पेड़ को मत काटो। ठीक है महाराज, आप कहते हैं तो मैं इस पेड़ को नहीं काटूंगा। इतना कहकर वह लकड़हारा वहां से चला जाता है। महाराज, आप कौन हैं? बेटी, मैं वही साधु हूँ जिसने तुम्हारे पति को पेड़ बनने का श्राप दिया। मैं अपनी दिव्य शक्तियों से सब कुछ देख रहा था, इसलिए मैं सही समय पर आ गया। बेटी, तुम्हारे पति का पश्चाताप पूर्ण हो गया है, मैं उसे श्राप से मुक्त करता हूँ। साधु के इतना कहते ही मुंगेरी पेड़ से वापस इंसान बन जाता है। साधु महाराज, मुझे माफ कर दो, आज मुझे पेड़ का महत्व समझ आ गया, अब मैं कभी ऐसी भूल नहीं करूंगा। हाँ वत्स, मैंने तुम्हें क्षमा किया और साथ ही मैं प्रसन्न हुआ कि तुम दोनों ने कठिन परिस्थितियों में भी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, तुम दोनों सुखी जीवन व्यतीत करो। साधु वहां से गायब हो जाता है। लकड़हारा और उसकी पत्नी दोनों अपने गांव वापस चले जाते हैं। एक गांव में राजू अपनी माँ के साथ रहता था। राजू बहुत ही गरीब था। एक दिन राजू की माँ की तबीयत खराब हो जाती है। राजू के पास अपनी माँ का इलाज कराने के भी पैसे नहीं होते हैं। तभी राजू अपने चाचा के पास कुछ मदद मांगने उनके घर जाता है। चाचा, मेरी माँ की तबीयत बिगड़ गई है और मेरे पास इलाज के पैसे नहीं हैं। चाचा मेरी मदद करो, मुझे कुछ पैसे दे दो माँ के इलाज के लिए, मैं कुछ दिनों में आपको पैसे लौटा दूंगा। अच्छा, पैसे दे दूं तुमको, पर तुम पैसे लौटाओगे कैसे? कोई काम धंधा तो है नहीं तुम्हारे पास, बस दिन भर लोगों की मदद किया करते हो। अब जाओ, उन्हीं लोगों से मांगो जाके पैसे, मेरे पास पैसे वैसे नहीं हैं। राजू निराश होकर वहां से घर की ओर जाता है। तभी रास्ते में उसे एक बूढ़ा व्यक्ति दिखाई देता है जो कि दर्द से कराह रहा होता है। राजू उसके पास जाता है। बाबा, आप कौन हैं? क्या हुआ आपको? मैं कुछ मदद करूं आपकी? बेटा, मैं पास के ही गांव में रहता हूँ, मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ, अब मेरे शरीर में ताकत भी नहीं बची है। मेरे पास ये चक्की है
जिसे मैं पास वाले मंदिर में रखने जा रहा था, पर वजन ज्यादा होने के कारण मेरे शरीर में दर्द होने लगी थी। बेटा, तुम एक भले इंसान लगते हो, तो ये चक्की मैं तुम्हें दे रहा हूँ, इसकी देखभाल करना बेटा। ये कोई साधारण चक्की नहीं है, ये एक जादुई चक्की है। बेटा, ये तुम्हारे बहुत काम आएगी। मैं तो अब बूढ़ा हो चुका हूँ, मेरे पास अब इसका क्या काम। तुम ले जाओ इसे बेटा, पर याद रखना, ये चक्की चलाने से पहले एक मंत्र बोलना पड़ता है। वो मंत्र है, चक्की चलेगी कृपा मिलेगी। और सुनो, ये बंद अपने आप ही होगी, लेकिन कभी भी बिना मंत्र बोले चक्की मत चलाना बेटा, वरना उसका परिणाम बहुत ही बुरा होगा। राजू वह चक्की लेकर अपने घर आ जाता है और बूढ़े बाबा की कही बातें सोचने लगता है। क्या सच में यह जादुई चक्की है? क्या बाबा की बातें सच थी? चलो देखता हूँ चक्की चला के। राजू वही मंत्र बोलता है, चक्की चलेगी कृपा मिलेगी, चक्की चलेगी कृपा मिलेगी, चक्की चलेगी कृपा मिलेगी। तभी चक्की चलती है और उसमें से एक हीरा निकलता है। राजू यह देखकर बहुत खुश हो जाता है। राजू को हीरे के बदले काफी पैसे मिल जाते हैं। राजू अपनी माँ का इलाज भी करवा लेता है। अब राजू रोज वही मंत्र बोलता और उसकी चक्की से रोज उसे एक हीरा मिल जाता। राजू बहुत धनवान हो जाता है और वह गांव के गरीब लोगों की मदद भी किया करता है। राजू के धनवान होने की खबर उसके चाचा को लग जाती है। अच्छा, तो ये भिखारी राजू अब धनवान हो गया है और गरीबों की मदद करता है। ये राजू की खबर तो लेनी ही पड़ेगी अब। अगले दिन वह चुपके से राजू के घर जाता है और वह चक्की से हीरा निकलते देख लेता है। अच्छा, तो ये चक्की है जो हीरा देती है, तभी राजू इतना धनवान हो गया है। अब तो यह चक्की किसी तरह से मुझे हासिल करनी ही होगी, क्योंकि मैं बनूंगा सबसे बड़ा धनवान व्यक्ति और मेरे आगे पीछे नौकर ही नौकर होंगे। उसी रात चुपके से वह राजू के घर जाता है और चक्की चुरा के अपने घर ले आता है और जल्दी से बिना मंत्र बोले ही चक्की चला देता है। तभी उस चक्की से एक जहरीला सांप निकलता है और वह उसे काट लेता है।